नमस्कार दोस्तों, मैं चिमटे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे कि हम होम रिबन बार के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम एमएस वर्ड के इस पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कमांड देंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, आपके इंटरफेस के आपके सामने रेडीमेड टेक्स्ट आपके सामने आ गया। और अब आप चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी टेक्स्ट या पूरी लाइन या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट एक तरीके से लिखने का स्टाइल होता है, जैसे हर व्यक्ति की अपनी हैंड राइटिंग होती है, और इसी तरीके से हम एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग राइटिंग या स्टाइल में हम लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग नेम से आपके स्टाइल बने हुए हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो पसंद है आप उसको ले सकते हैं। और आपने लेने के बाद सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर और थोमा ले लिया और आपने क्लिक कर दिया और आपके सामने इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। तो दोस्तों इसके बाद इसकी शॉर्टकट जो कमांड होती है आपकी, वो जो कमांड भी आप कंट्रोल आप यहाँ देखेंगे, जब अपने कर्सर रखेंगे तो आपके सामने कंट्रोल शिफ्ट ऐप भी आएगी, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दूसरा स्टाइल होता है आपके, दूसरा ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए। जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट है आप उसके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लिक कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस साइज़ को मुझे छोटा बड़ा करना है, तो इसके बगल में साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए भी इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन या लेस देन का साइन भी साथ में है। यहाँ पर लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो आप इससे भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आप जो दिखाई दे रहा आपको। और अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने इसे फॉर्मेटिंग की है और हम चाहते हैं जैसा है ये वैसा ही हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बगल में फॉर्मेट क्लीनर होता है या क्लियर होता है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी अपने सजावट के जो भी चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में हो जाए, आप इसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये फॉर्मेट नॉर्मल जैसा था वैसे ही हो जाएगा आपके सामने। तो आप ये देख आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हमारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, आप चाहते हैं कि इसी टेक्स्ट में आपको कुछ बोल्ड इटैलिक्स है, तो आप यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और आपने इसे बी करा, कंट्रोल बी करा या इस ऑप्शन में क्लिक किया, तो देख रहे हैं आपके सामने टेक्स्ट बोल्ड हो गया। आप चाहते हैं दोबारा हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल बी या इस बी पर क्लिक करके हटा सकते हैं। आप चाहते हैं इसी टेक्स्ट को आपको टैली करना है, तिरछा करना है, तो आपने कंट्रोल आई या इस आई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट तिरछा हो गया। आप चाहते हैं जैसे तो वैसे हो जाए, नॉर्मल हो गया। आप चाहते हैं इसी टेक्स्ट को ये टेक्स्ट आपके सामने अंडरलाइन हो जाए, तो आपने अंडरलाइन हो गया। और ये अंडरलाइन भी इसकी कई तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इसकी और स्टाइल भी आप यहाँ से ले सकते हैं अंडरलाइन में, और कई सारी फॉर्मेटिंग भी आ सकती है जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस अंडरलाइन का कलर भी आपको डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से कलर भी डिफाइन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से। अब चाहते हैं कि इसके अलावा ये आपको जो टेक्स्ट है मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो आप इस द्वारा क्लिक करके हटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसी टेक्स्ट में मुझे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन चाहिए, तो सारे ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट चाहते हैं कि ये स्ट्राइक थ्रू कटआउट स्टाइल का दिखाई दे, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने इस तरह दिखाई देगा और यहाँ पर आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने पूरे किसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ गए और आपने इसे बोल्ड कर दिया, टैली कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, स्टाइल को कर दिया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया और ये अपना टेक्स्ट भी छोटा बड़ा कर लिया और आप चाहते जैसा था वैसे हो जाए, तो आप इस फॉर्मेटिंग के माध्यम से क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से आपसे क्लियर कर सकते हैं ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यहीं तक बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताऊँगा इस फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का। तो धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।